हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। और उसको कुछ भी नहीं किया किसी ने भी, वो ठीक आराम से घूम रहा है और हम इधर घूम रहे हैं। आज 3 दिन हो गए हमारे को चक्कर काटते हुए, और बेटा मेरा भी हॉस्पिटल में, उसकी टांग टूट गई है और हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा। भलाई हुआ उसने स्टे लगी हुई थी, स्टे में वो काम कर रहा था। मैंने बोला कि स्टे में तो कोई काम कर रहा है? वकील ने बोला हमारे को कि उसको समझाओ, बोलो कि स्टे में तो काम मत करो। फिर हम चले गए थे 3 या 4 जने, बस उसको बोल कर ये बोला कि स्टे में मत काम करो। मिस्त्री लगे हुए थे, उनको भी हमने बोल दिया इस काम में स्टे लगी, आप चले जाओ यहाँ से। और मिस्त्री बेचारे चले गए, उनकी क्या क्या गलती, उन्होंने तो बुलाया, उन्होंने तो अपनी रोजी रोटी कमानी होती, वो चले गए सारे। और फिर हमें भी आने लगे कि उसको बोल कर, वो ऊपर चढ़ा रहा, वो खुद लग पड़ा काम करने। और हमने बोला, मैंने बोला बेटे को भी देखकर ना, मैं कर रहा काम तो चलो हम चल पड़ते। जैसे हम ऐसे जा रहे थे ना, बेटे की पाँव रख गया ना इसमें, जो चढ़ाई थे डंडा जैसा था, और उसको ठोक लगी कि ऊपर से उसने वो ईटे पर सावना शुरू कर दी। मेरे को बात करने का मौका इन्हें भी नहीं दिया, आप बात करो। भले सुनो, भले कानून मैं बताता हूँ, जो मेरे इसमें होगा बता दो, वो ही करूँगा। भले मैं वो विकास को मारे थे तो उनके पापा है जोगिंदर कुमार, तो उसने जब वो ईटों की बरसात कर रहा था वो, तो एक ईट जाके उसके बेटे, बड़ा बेटा उनका गौरव, उसके सर में जाके लगी है। और सर वो उसी को लेके वो उन्होंने ये केस बनाया कि वो जो है हमने मारा है उसे। आप सर वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो किसने मारा है, किसने नहीं मारा है।